Good morning, student. Today we will discussing about the axial skeleton. In the previous classes, the studied about the skeleton system and the skeleton system में क्या क्या होता है, bones क्या है, formation of bone, structure of bone and the function of the bones. Today we will discussing about the axial skeleton. Axial skeleton क्या होता है, उसके बारे में discuss करने वाले हैं. It's form the longitudinal axis of the body. ये आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है, सीधा जो एक्सिस होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है. एंड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, और इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसमें फर्स्ट पार्ट इज वन स्कल, एंड सेकंड इज वर्टेब्रल कॉलम एंड बोनी थोरेक्स. स्कल मींस जो आपके ये पूरा एरिया है कॉल्ड है स्कल. एंड जो वर्टेब्रल कॉलम है, ये पीछे साइड जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, उसे हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं. एंड द फोनी बोनी थोरेक्स. बोनी थोरेक्स मींस कि जो हमारा चेस्ट कैविटी होती है, उसको ये बनाने में हेल्प करता है, जिसमें रिब्स एंड स्टर्नम होता है, जिससे ये बोनी थोरेक्स कंप्लीट बना हुआ होता है. ओके, नाउ डिस्कसिंग द स्कल. द टू सेट्स ऑफ बोन, दो सेट्स के रूप में बोन्स प्रेजेंट होती है. इसमें हम फर्स्ट को पार्ट को डिवाइड किए हैं द क्रैनियम, एंड सेकंड वन इज अ फेशियल बोन. तो इसको हम क्रैनियम मीन्स खोपड़ी, और फेशियल यानी जो चेहरे की बोन होती है, उसको हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड बोन्स आर जॉइंट बाय द सूचर. जो ये बोन्स होती हैं, एक्चुअली ये जॉइंट होती हैं एक सूचर से. सूचर मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी इमोबिलाइजेशन नहीं होता. जब हम कोई भी कट लगता है, तो उसको हम कहते हैं ना, सूचर कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं या उसको धागे से गूंथ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सूचर. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बोन्स होती हैं, जो फेशियल बोन है और स्कल बोन है, ये पूरी तरह से सूचर से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती है. इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता. ओनली द मैंडिबल इज अटैच्ड बाय द फ्रीली मूवेबल जॉइंट. जो एक मैंडिबल बोन्स होती है, जिसे हम ये मैंडिबल बोलते हैं, ये फ्रीली मूव हो सकती है. ये पूरी तरह से सूचर से कनेक्टेड नहीं होती, जिसकी वजह से इसको मूव कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं इसमें मैंडिबल का वर्क है. बाकी आपके फेस की या हेड की कोई भी बोन को मूव नहीं किया जा सकता, आपसे मूव नहीं हो सकती, लेकिन आप मैंडिबल को मूव कर सकते हैं. यू ये बस बोन ऐसी है जो पूरी तरह से सूचर से कनेक्टेड नहीं. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द क्रैनियम. द व्हाट इज द क्रैनियम? द बॉक्स लाइक क्रैनियम इज कंपोज ऑफ 8 लार्ज फ्लैट बोन्स. ये एक प्रकार का लार्ज बड़ा पार्ट होता है, बॉक्स लाइक, एक बॉक्स के आकार का, बॉक्स जैसा होता है, और इसमें 8 बड़ी बोन्स से मिलके बना होता है. इसको हम बात करेंगे. अगर फर्स्ट वन द फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन फ्रंट से, वर्ड से ही पता चलता है कि ये बोन आपके फ्रंट में प्रेजेंट होती है. थोड़ा सा आप डायग्राम के भी हेल्प ले सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको. इट फॉर्म द फोरहेड, जो कि फॉर्म है, फोरहेड को बनाने में हेल्प करती है. ये फ्रंटल बोन है, जो आपको डायग्राम इसमें, इस व्यूज पे आप देखोगे पूरा, तो काफ़ी क्लियर दिखाई देगा आपको. ये जो बोन है आपका, ये पूरा येलो कलर का, इट इज़ द फ्रंटल बोन. आप इस डायग्राम में देख रहे हैं फ्रंटल बोन. ओके, तो फ्रंटल बोन ये क्या करती है? इट्स बोनी प्रोजेक्शन, एक प्रकार का बोनी प्रोजेक्शन है अंडर द आईब्रो. ये आईब्रो के जस्ट अंदर, एंड द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ईच आई ऑर्बिट. और सुपीरियर पार्ट ऑफ द ईच आई ऑर्बिट के ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? फ्रंटल बोन. देन इट्स सेकंड बोन इज द पेराइटल बोन. फ्रंटल वन बोन होती है, एंड पेराइटल बात करते हैं हम, तो पेराइटल जो बोन होती है, ये टू पेयर्स में होती है, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सुपीरियर एंड लेटरल वॉल. ये पूरे सुपीरियर एंड लेटरल वॉल को कवर करने में हेल्प करती है. दे मीट्स इन द मिडिल ऑफ द स्कल. जहाँ पे ये स्कल का मिडिल होता है, यहाँ पे जो मिलती है, तो इसको हम बात करते हैं, इसके ये बोलते हैं हम सजाइटल सूचर. इसको सजाइटल सूचर कहते हैं. एंड फॉर्म द कोरोनल सूचर, एंड फॉर्म द कोरोनल सूचर वेयर दे मीट द फ्रंटल बोन. जहाँ से ये फ्रंटल बोन से मिलती है, इसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर. तो ये जो ऐसे है, दिट इज़ अ सजाइटल सूचर, एंड दिस इज वन फ्रंटल, सॉरी कोरोनल सूचर. तो इस प्रकार से हम इसको सूचर के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि कहाँ से जुड़ी हुई होती है पेराइटल बोन्स. पेराइटल बोन डायग्राम में देख सकते हैं, दिस वन इज अ ग्रीन वाली पूरी पेराइटल बोन है. ये जो बीचों बीच, अगर आप इस डायग्राम में और क्लियरली देखना चाहें, ये जो डिवाइडेशन है, ये इसको हम बात कर रहे थे ना,
तो ये जो पार्ट है इससे दोनों बोन्स जो ये आपकी पेराइटल बोन होती हैं वो डिवाइडेड होती है, इस साइड भी उस साइड भी। तो ये डिवाइडेड पार्ट को जिससे हम बोलते हैं, इसके बोलते हैं सजाइटल सूचर, और कोरोनल सूचर जो फ्रंट में, जो आपके फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन को डिवाइड करती है, इसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर, ये पार्ट कोरोनल सूचर। ओके, नाउ बात करते हैं हम टेम्पोरल बोन की। टेम्पोरल बोन इट्स लाइस्ट इन्फीरियर टू द पार्सियल बोन पेराइट सॉरी इन्फीरियर टू द पेराइटल बोन्स, दे ज्वाइन देम एट द स्क्वैमस सूचर। ये आपके इन्फीरियर साइड में पेराइटल बोन की जस्ट प्रेजेंट होती है एंड ज्वाइन मीट विद द स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर जो होता है उससे ये कनेक्टेड होते हैं। इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ये टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन ये आपका हो गया टेम्पोरल बोन, ये वाला पूरा पार्ट टेम्पोरल बोन कहलाया, और ये स्क्वैमस सूचर है। ये जो सूचर है इसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर, यानी कि आपके पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन को जोड़ने का काम जो करता है उसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। क्लियर। नेक्स्ट बोन है ऑक्सीपिटल बोन, द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, पीछे के पार्ट को हम बात करते हैं तो वो होता है ऑक्सीपिटल बोन, और ये फॉर्म करता है क्रेनियम, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियम को फॉर्म करता है, एंड इट फॉर्म द फ्लोर एंड बैक, इट हियर द ब्लैक बट इट इज़ अ बैक साइड बैक बॉल ऑफ द स्कल। ये क्या फॉर्म करता है, फ्लोर पीछे का साइड और बैक साइड, जिसको हम बैक साइड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। एंड देन आप डायग्राम में भी देख सकते हो ऑक्सीपिटल बोन, ये जो लास्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, ये ऑक्सीपिटल बोन कहलाता है, और ये भी आपके लम्बॉइडल सूचर से कनेक्टेड होता है। क्लियर। नाउ द स्फेनॉइड बोन, द बटरफ्लाई शेप्ड स्फेनॉइड बोन्स स्पार द वाइड ऑफ द स्कल एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ द क्रैनियल कैविटी। तो इट्स द बटरफ्लाई शेप्ड, ये एक तरह की तितली लाइक स्ट्रक्चर, जैसे तितली होती है उसके शेप की होती है, एंड इसकी जो इस बोन स्पांस होता है, या कह सकते हैं बोन का जो चौड़ाई होती है वो पूरे स्कल को फॉर्म करने में हेल्प करती है, ऑफ द फ्लोर, जो ये आपका क्रैनियम है उसको इसके नीचे फ्लोर बनाने में हेल्प करती है। ओके, नाउ द एथमॉइड बोन, इट इज़ वेरी इरेगुलर शेप्ड एंड लाइज एंटीरियर ऑफ द स्फेनॉइड बोन। ये जस्ट एंटीरियर एंटी सामने की तरफ स्फेनॉइड बोन की प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं एथमॉइड बोन, इट फॉर्म द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। ये रूफ नाजल कैविटी का रूफ बनाने में हेल्प करती है, एंड पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट, ये मीडियल वॉल्स ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी की पार्ट होता है, जिसे हम एथमॉइड बोन कहते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप देखने की कोशिश कर सकते हैं, ये इसमें एथमॉइड बोन, हियर दिस वन इज अ एथमॉइड बोन, आप इस एथमॉइड बोन देख रहे हैं ना इस डायग्राम के थ्रू, इसमें और क्लियर आपको समझ में आएगा। एथमॉइड बोन स्फेनॉइड बोन के जस्ट, ये आपका हो गया स्फेनॉइड बोन, ये वाला पार्ट जो पिंक डार्क पिंक दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्फेनॉइड बोन है, इरेगुलर शेप है दोनों साइड, पूरा ये रूफ आपका फ्लोर बनाने का काम कर रहा है स्फेनॉइड बोन। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसके जस्ट कनेक्टेड है बिल्कुल ये राउंड ये वाले पार्ट में एथमॉइड बोन, तो ये हो गया आपका एथमॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन के बाद जस्ट एंटीरियर सामने की तरफ एथमॉइड बोन प्रेजेंट होती है, तो दीज आर ऑल द स्कल बोन्स और क्रैनियम, क्रैनियम की बात कर रहे थे अपन, क्रैनियम की ये सारी बोन्स हो गई। उसके बाद हम बात करें अगर फेशियल बोन्स की या फेस की बोन्स की, तो उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट वन इज अ टोटल नंबर ऑफ 14 बोन्स होती हैं, जो कि 8 बोन अपन स्कल की बात कर लिए, उसके बाद फेस की बात करते हैं, सॉरी
स्कल की नहीं, स्कल में ही पूरे आते हैं आपका, इसमें क्रैनियम एंड फेस दोनों आते हैं। तो क्रैनियम की एट बोन्स को अपन बात किए, एंड नाउ द 14 बोन ऑफ द फेसियल। तो फेसियल बोन्स में अगर देखेंगे डायग्राम के थ्रू आपको, तो ये नेजल बोन आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपकी बोथ साइड नेजल बोन है। नेजल बोन ये टू नंबर्स में होती है, दोनों साइड आपके इस साइड पे दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ये टू नंबर्स में होती है नेजल बोन्स। एंड देन द मैक्सिला, मैक्सिला इज अपर पार्ट ऑफ द, दिस इज एक्सिला, ये वाला पार्ट जो है मैक्सिला कहलाता है। और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किए, ये यहाँ से अगर देखा जाए डिवाइड कर दिया गया, तो ये आपको दो बोन्स दिखाई दे रही होंगी पर्पल कलर की। देन जाइगोमेट्रिक बोन, जाइगोमेट्रिक बोन्स इसमें आपको दिखाई दे रही होगी ये, इसको हम चीक बोन भी कहते हैं। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू ऐसा देखें, दिस इज वन इज द जाइगोमेट्रिक बोन, बोथ साइड होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में गाल, चीक बोलते हैं ना इसको गाल, तो इस चीक बोन भी इसको हम बोला जाता है। एंड देन लैक्राइमल, लैक्राइमल जो वर्ड है वो आई से रिलेटेड है, लैक्राइमल ग्लैंड होती है, वहाँ प्रेजेंट होती है, इसलिए उस बोन को हम लैक्राइमल बोन बोलते हैं। ये भी बोथ साइड होती है, जैसे आप जस्ट नाक के साइड से यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है अंदर की तरफ बोन, उसको हम लैक्राइमल बोन बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं इस साइड पे। ओके, दिस वन इज अ लैक्राइमल बोन्स। तो ये बोथ पेयर्स में होती है, इस साइड भी दोनों साइड होती है। नेक्स्ट पैलेटिन बोन्स, पैलेटिन बोन आप देख सकते हैं इसमें, एक्चुअली यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आपको उतना क्लियर नहीं होगा पैलेटिन बोन, लेकिन जो अंदर की बोन्स होती है, अंदर रूप बनाने में हेल्प करती है, उसको हम पैलेटिन बोन बोलते हैं। ये भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ओके, एंड देन इन्फीरियर नाजल क्वेंचे, जो इन्फीरियर नाजल क्वेंचे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये नाक के अंदर के ये पार्ट है एक्चुअली, सॉरी, ये बोन को अगर डिसेक्ट करके देखेंगे तो उसमें क्लियर दिखाई देंगे। तो ये दोनों पार्ट डिवाइड होती है, दो साइड में रहती है, तो इसको हम इन्फीरियर नाजल क्वेंचे एंड देन द बोमर, आप एक बोन सब बीचों बीच इसकी डिवाइड करते हुए देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट दैट इज अ बोमर, ये सिंगल बोन होती है बोमर। एंड मैंडिबल, इसके बाद हम मूवेबल बोन्स की बात कर रहे थे, दिस पार्ट इज अ मैंडिबल, ये सिंगल बोन होती है। इस प्रकार से हम टोटल अगर बात कर रहे हैं, तो ये टोटल 14 नंबर्स ऑफ फेसियल बोन्स होती हैं, जो हमारे पूरे आपके जो स्कल होता है उसको फॉर्म करने में हेल्प करती है। आफ्टर द फेसियल बोन, डिस्कसिंग अबाउट द हायोइड बोन, व्हाट इज द हायोइड बोन। एक्चुअली ये हायोइड बोन भी हमारे जस्ट जो स्कल एक्सियल स्केल्टन होता है उसका ही पार्ट होता है। हायोइड बोन हमारे जो मैंडिबल, सॉरी आपकी ये मैंडिबल है, उससे और उसी के जस्ट प्रोजेक्टन पार्ट से डिवाइड कनेक्टेड होता है। एंड ये यू शेप बोन होती है, एक प्रकार की यू शेप बोन होती है, एंड इट कनेक्टेड विद द आर्टिकुलेटेड विद द टंग से कनेक्टेड होती है। ये एक्चुअली पूरी तरह से किसी बोन से जुड़ी नहीं होती, आर्टिकुलेट नहीं होती, बट ये लिगामेंट्स के थ्रू, टंग के जो लिगामेंट्स होते हैं, एंड इट सपोर्टेड विद द मैंडिबल एंड लैरिंक्स, मैंडिबल और लैरिंक्स से कनेक्टेड होता है एंड सपोर्ट द टंग, जो कि टंग को सपोर्ट करता है। तो ये एक बोन प्रेजेंट होती है हमारे आपके इसी स्कल के पार्ट में, या कह सकते हो आपके एक्सियल स्केलेटन के पार्ट में। एंड देन ऑडिटरी ओसिकल्स, ऑडिटरी ओसिकल्स की बात करते हैं, तो वो एक्चुअली हम इस फेस स्कल बोन पे उसको साथ पे ऐड करते हैं, कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा, कई बार आपको इसको अलग से बोलते हैं। तो ये हमारे ईयर की बोन्स होती हैं, टू पे थ्री ईच साइड होती है, एक कान पे तीन और दूसरे कान पे भी तीन, तो मीन्स ये सिक्स बोन्स होती हैं टोटल। इसके नाम हम बात कर सकते हैं, तो मैलस, इंकस एंड स्ट्रेपिस, तो ये सारी तीन बोन्स होती हैं जो कि आपको सुनाई देने में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से सिक्स ओसिकल्स बोन्स होती हैं। देन वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम की अगर बात करें, तो ये 26 पेयर्स में, 26 नंबर्स में होती हैं,
वर्टेब्रल कॉलम इन द एडल्ट ह्यूमन, ओके। एंड द थोरेक्स, जो थोरेक्स की बात करते हैं हम, तो थोरेक्स जो कैविटी होता है उसमें वन स्टर्नम एंड वन सॉरी 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स, तो टोटल नंबर ऑफ द 24 रिब्स हो जाती हैं और एक स्टर्नम होता है। तो ये अगर 8 स्क्रैनियम बोन, 14 फेसियल बोन एंड 1 हायोइड बोन एंड 6 ऑडिटरी ओसिकल्स की बात करें और 26 पेयर्स ऑफ द सॉरी 26 नंबर्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड द 1 स्टर्नम एंड 24 रिब्स, टोटल मिला के सब टोटल जो होती हैं वो 80 बोन्स होती हैं जो कि एक्सियल स्केल्टन स्केल्टन के अंतर्गत आती हैं। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द एक्सियल स्केल्टन। एक्सियल स्केल्टन में क्या क्या होता है, कौन कौन सी बोन्स होती हैं और वो उनका वो सिचुएटेड कहाँ होती है, किस पार्ट में होती हैं। ओके, थैंक यू।